खूब करो मोदी जी, कोशिश हमें मिट्टी में दबाने की, खूब करो मोदी जी हमें मिट्टी में दबाने की, लेकिन आपको नहीं मालूम हम बीज है बार बार उगते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPNI न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत मल्लिका अर्जुन खड़गे से। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने एक के बाद एक मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे, इसके साथ ही साथ सरकार पर हमला भी किया। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि अडानी का मुद्दा सरकार को इतना नागवार गुजर रहा है कि वो विपक्ष पर छापे मार रही है। CBI, ED, तमाम तरीके की एजेंसियों को बिठाया जा रहा है, लेकिन क्या ये गलत नहीं है? सत्ता पक्ष में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ब्रिजभूषण शरण सिंह है, कुलदीप सिंह सेंगर की बात करें, आशीष मिश्रा टैनी है, अजय मिश्रा टैनी, लेकिन वहाँ पर CBI जाँच नहीं होती, वहाँ पर NCB नहीं बैठती, वहाँ पर ED नहीं बैठती। तो क्या ये नहीं बताता कि केवल सत्ता पक्ष विपक्ष पर ही प्रेशर डाल रही है, विपक्ष को ही घेरती नजर आ रही है? क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, देखिए रिपोर्ट। ऐसे भगोड़े हमारे देश में हैं जो बैंक का पैसा लूट रहे हैं, LIC का पैसा लूट रहे हैं, छोटे मोटे लोग जो डिपॉजिट रखते हैं बैंकों में, LIC के लिए जो अपना पैसे भरते हैं अपने जीवन के लिए, वो पैसा किसी को आप दे रहे हो, जनता का पैसा लूट रहे हो, वो लूटना बंद करो, ये राहुल जी कहते थे। लेकिन इनको उनको ये पसंद नहीं था, इसलिए ये पसंद इसलिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं उनको लगती है बात। अरे भाई, अगर आप देशभक्त हो, देश के लिए इतना आपके पास बहुत उसके बारे में आप बहुत ही चिंता करते हो, तो ऐसे लोगों को क्यों शिक्षा नहीं देते जो पैसे बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जो इंसान काम करता है उसको आप जेल भेजते हो, और जो लूटता है उसको बाहर भेजते हो। तो इसलिए भाइयों, सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, सारे देश के लिए, और सारे देश में डेमोक्रेसी कायम रखने के लिए, लोकतंत्र कायम रखने के लिए हमको लड़ना है। मुझे खुशी इस बात की है ये तो बोला था। मुझे खुशी इस बात की है कि सारे पार्टियां, सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर राहुल जी के साथ खड़े हुए। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं, उन सबको शुक्रिया अदा करता हूं कि जो ऐसे वक्त में लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे साथ खड़े हुए हैं। हर एक ने बात की, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, 100 बार धन्यवाद देता हूं। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और सीधे सीधे तौर पर देखा ही जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके के हालात बने, वो जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में तस्वीर जिस तरीके की बदल रही है, वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए चुनौती का सवाल है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।